जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राजीव इन्फोटेक। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से जेएसएससी पंचायत सचिव सैंपल पेपर 13 के बारे में डिस्कस करूंगा और इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है, तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखेंगे तो आप लोग इस उस पॉइंट्स को आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पक्का देखें। मैंने इस सैंपल पेपर 13 का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप लोग चाहे तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने टोटल 11 सेट बनाया है प्रैक्टिस सेट का आप लोग के लिए, तो चाहे तो आप लोग उसे भी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप लोग को ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आप लोग एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन एमएस वर्ड का है, जिसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को एमएस वर्ड में कृतिदेव 010 फॉन्ट में टाइप करें। तो ये हम लोग का अनुच्छेद है, जिसमें पहला प्रश्न है कि दिए गए अनुच्छेद के शीर्षक का फॉन्ट साइज 22 बोल्ड अंडरलाइन और सेंट्रल अलाइंड होना चाहिए। तो ये हम लोग का शीर्षक है भारतीय चुनाव। तो सबसे पहले हमें एमएस वर्ड खोलना पड़ेगा और यहाँ पर इसका फॉन्ट को कृतिदेव 010 में चेंज करना पड़ेगा और इसका साइज 22 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 22 टाइप करता हूँ, तो ये 22 इसका फॉन्ट साइज हो जाएगा। फिर इंटर दबाऊँगा तो उसके बाद मैं यहाँ टाइप करूँगा भारतीय चुनाव। तो ये आपका फॉन्ट साइज 22 में ही टाइप हो रहा है। उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। बी दबाऊंगा तो बोल्ड हो जाएगा, फिर यू दबाऊंगा तो अंडरलाइंड हो जाएगा। उसके बाद इसको सेंटर अलाइंड का बटन में प्रेस करूंगा तो ये सेंटर अलाइंड हो जाएगा। उसके बाद हमें पैराग्राफ को यानी अनुच्छेद को पूरा टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से टाइप कर रखा है, मगर आपको मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करूँगा, लेकिन आप लोगों को टाइप करना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसे जस्टिफाई भी करना है, तो ये जस्टिफाई का बटन है, इसको मैं दबाऊँगा तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि इसका फॉन्ट साइज 16 होना चाहिए, तो मैं यहाँ से इसका फॉन्ट साइज 16 सिलेक्ट करूँगा तो ये 16 में हो जाएगा। उसके बाद हमें कहा गया कि दिए गए अनुच्छेद में जहाँ पर चुनाव चुनाव शब्द मिले उसे अंडरलाइन करें। तो जहाँ जहाँ पे चुनाव या चुनाव शब्द हमें मिलेंगे उसे अंडरलाइन करना है। तो देखिए पहले ही शब्द हम लोग का चुनाव है, तो मैं वहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और यू को दबाऊँगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। फिर और एक शब्द यहाँ पर चुनाव है, इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करूँगा और अंडरलाइन इसको कर दूँगा। उसके बाद इस जगह पे चुनाव हैं तो यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर अंडरलाइन इसको कर दूँगा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है और यहाँ पे कहीं पे चुनाव चुनाव नहीं लिखा हुआ है। लास्ट लाइन में और एक चुनाव लिखा हुआ है, तो उसको भी आपको सिलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन कर देना है। तो हम लोग का एमएस वर्ड का काम पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल का, जिसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए निर्देशों के साथ एमएस एक्सेल का प्रयोग कर वर्कशीट डिजाइन करें। तो ये हम लोग का वर्कशीट दिया गया है, जिसे हमें देखकर डिज़ाइन करना है, जिसमें प्रति माह किराया और वाहन के बारे में कहा गया और अलग अलग महीना इसमें लिखा गया है, इसको हमें टाइप करना है। तो मैंने यहाँ पहले से ही टाइप कर रखा है, तो मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि कितना कैसे करके डिज़ाइन करना है। तो देखिए ऊपर वाला रो आपका पूरा मर्ज्ड है, यानी एक साथ है। तो पहले गिन लेता हूँ कि कितना सेल्स आपका मर्ज्ड है। तो टोटल 9 सेल्स मर्ज्ड है ऊपर का। तो उसके लिए मैं अपने एमएस एक्सेल में जाऊँगा और ऊपर से शुरू के 9 सेल्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको मर्ज्ड कर दूँगा। यानी यहाँ देखिए मर्ज्ड और सेंटर का बटन दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये मर्ज्ड हो जाएगा, कहने का मतलब एक साथ हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ प्रति माह किराया इसको टाइप करना है। तो मैंने पहले से टाइप किया हुआ है तो मैं इसको जस्ट कॉपी और पेस्ट करूँगा, लेकिन आप लोग को टाइप करना है कृतिदेव 010 में। तो ये दूसरा फॉन्ट में चला गया, मैं इसको कृतिदेव 010 में चेंज कर दूंगा। यहाँ पे टाइप करूँगा कृतिदेव 010, तो ये आपका हिंदी में आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वाहन और महीना के नाम लिखा हुआ है और कुल राशि लिखा गया है। तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूँगा, लेकिन आप लोगों को इसको टाइप करना है। और इसके बाद बाकी चीज़ों को भी टाइप करना है, जैसे यहाँ पे वाहनों का नाम लिखा गया है, जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो, ऑल्टो। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और उसको वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। जो सेल से बाहर चला जाए तो उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक करिएगा तो वो सेल में पूरा ले लेगा। उसके बाद बाकी नंबर्स जो दिए गए हैं इसको भी टाइप करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। और कॉपी करके मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो और इसके बाद और एक चीज़ दिया गया है इस वर्कशीट के नीचे में, उसको भी टाइप करना पड़ेगा हमें, यानी उसके लिए भी टेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे दो सेल एक साथ मर्ज्ड है, तो सबसे पहले मैं अपने एक्सेल शीट में जाऊँगा, दो सेल को मैं मर्ज कर दूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मर्जन सेंटर कर दूँगा तो ये मर्ज्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो लिखा गया है उसको वहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, इसका फॉन्ट चेंज हो गया है तो इसका फॉन्ट कृतिदेव 010 कर देता हूँ। उसके बाद बाकी चीज़ों को भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन आप लोग को यहाँ टाइप करना है। तो वर्कशीट में जैसा दिया गया था हम लोग ने वैसा लगभग टाइप कर दिया है। अभी बाकी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन तो हमने कर दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट में दिया गया शीर्षक को बोल्ड में लिखें और जिन सेल्स में महीनों के नाम लिखा हुआ है उनका बैकग्राउंड हरा करें। यानी शीर्षक को हमें बोल्ड करना है और जहाँ पे महीना का नाम लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड को हरा करना है। तो सबसे पहले मैं जो महीना जो लिखा हुआ है उन सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करूँगा इन सेल्स के ऊपर में। देखिए यहाँ पर आपका एक ऑप्शन आ रहा है फिल कलर, फिल कलर का बटन को क्लिक करूँगा और यहाँ से जैसे हरा रंग कहा गया है यहाँ से हरा रंग सेलेक्ट करूँगा तो इसका बैकग्राउंड हरा हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है शीर्षक को बोल्ड में लिखें, यानी जितना शीर्षक है उसको बोल्ड में लिखना है। तो उसके लिए मुझे पूरा शीर्षक को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर जो बी का बटन है इसको दबा दूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि जिन सेल्स में प्रति माह किराया, वाहन, कुल राशि, मासिक राजस्व और प्रति घंटा किराए की कीमत लिखा हुआ है उनका बैकग्राउंड नीला करें। यानी जहाँ पे ये सब चीज़ लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड हमें नीला करना है। तो सबसे पहले उन सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे वाहन, इस सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं फिल कलर में जाकर नीला सिलेक्ट करूँगा तो नीला हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर जैसे कुल राशि लिखा हुआ है यहाँ पर भी इसको नीला सेलेक्ट करके नीला कर दूँगा और मासिक राजस्व को भी और प्रति घंटा किराए की कीमत यहाँ पे भी इसको नीला कर दूंगा तो ये नीला हो गया। उसके बाद कहा गया है कि जिन सेल्स में बोलेरो, स्कॉर्पियो, ऑल्टो लिखा हुआ है उनका बैकग्राउंड पर्पल करें। तो यहाँ पे बोलेरो, स्कॉर्पियो और ऑल्टो लिखा हुआ है इसको पहले सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और फिल कलर में जाकर पर्पल कलर सेलेक्ट कर दूंगा तो ये पर्पल कलर हो गया। उसके बाद नीचे भी दिया हुआ है तो इसको भी सिलेक्ट करूंगा और इसका कलर मैं पर्पल कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कौन सा वाहन प्रति माह कितने घंटे चला है उसका
विवरण इस टेबल में दिया गया है और प्रति घंटा किराए की कीमत भी दिया गया। फॉर्मूला का उपयोग करते हुए कुल राशि और मासिक राजस्व की गणना कर प्रविष्ट करें। तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमें यहाँ पे देखिए, जैसे बोलेरो जो गाड़ी है उसका हर महीने का कितना घंटा चला है वो लिखा गया है, और हमें यहाँ पे अप्रैल मेला में इसका कितना राजस्व हुआ वो निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, अप्रैल महीना का जो नीचे दिया गया सेल्स है इसको इक्वल टू दूंगा, और जो बोलेरो अप्रैल मेला में 80 घंटा चला है उसको सिलेक्ट करूँगा और मल्टीप्लाई बाय, यानी कि इसका जो कीमत है 100 रुपया प्रति घंटा का, उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद प्लस स्कॉर्पियो अप्रैल महीना में 50 घंटे चला है तो 50 को सिलेक्ट करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 120 यानी जो उसका रेट है। उसके बाद प्लस ऑल्टो का 80 घंटा इंटू 80 जो इसका रेट है, और इंटर दबा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं इसको इस फॉर्मूला को ड्रैग करूँगा बाकी सारे महीनों में, तो आप इसका रिजल्ट देखिएगा क्या आता है। देखिए बाकी महीनों के लिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस सेल में इसका फॉर्मूला को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये B9 में देखिए जो इसका रेट है वो तो पहला महीना के लिए ले ले रहा है, लेकिन जब मैं मई महीना में जाता हूँ तो C9 फॉर्मूला में चला आता है। तो C9 में देखिए कुछ नहीं है, आपका 0 है, इसलिए उसका जो मई का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो 0 निकल के आ रहा है, इसलिए बाकी महीना का भी वैल्यू 0 निकल के आ रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो रेट जो दिया हुआ है रेट कार्ड को फिक्स करना पड़ेगा हर एक फॉर्मूला में, तो जिसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, एब्सोल्यूट करना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक सेल में जाकर जैसे B11 जो है यहाँ पर जाकर मुझे F4 दबाना पड़ेगा तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये B5 है, यहाँ पे भी F4 दबाऊंगा तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। फिर B4 में जाऊंगा, इसको भी एब्सोल्यूट कर दूंगा, और B9 में जाऊंगा इसको भी एब्सोल्यूट कर दूंगा। तो ये देखिए आपका एब्सोल्यूट हो गया, यानी कि ये जो रेट है ये आपका फिक्स हो जाएगा। आप इसको अगर ड्रैग करेंगे तो बाकी महीना में भी यही रेट आपका इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। देखिए अभी ये आंसर दिखा देगा, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपको वैल्यू को फिक्स करना है तो आपको F4 दबाना पड़ेगा हर एक सेल के आगे में। उसके बाद हमें यह कुल राशि निकालना, यानी कि बोलेरो प्रति महीना इसने कितना कमाया है। तो जैसे अप्रैल मेला में 80 घंटा इंटू 100 यानी कि B9, फिर प्लस मई महीना में 120 घंटा चला है ये गाड़ी तो 120 यानी कि C3 इंटू B9 जो इसका रेट है। वैसे ही जून महीना में 200 घंटा चला है तो 200 यानी कि D3 इंटू B9, फिर प्लस जुलाई महीना में 250 घंटा चला है तो 250 यानी कि E3 इंटू B9, फिर प्लस अगस्त महीना में 200 घंटा चला है तो 200 को सिलेक्ट करूँगा यानी कि F3 इंटू B9, और सितंबर महीना में 100 घंटा चला है तो G3 इंटू B9, फिर प्लस अक्टूबर महीना में 60 घंटा चला है, इसके बाद इंटर दबा देना है और उसके बाद इसको ड्रैग कर देना है बाकी दोनों सेल्स तक, तो ये ले लेगा, उसका टोटल कुल राशि निकाल देगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉर्मूला का उपयोग करते हुए कुल मासिक राजस्व की गणना कर प्रविष्ट करें और इसी और इस सेल का बैकग्राउंड पीला करें।
तो हमें टोटल कुल राशि निकालना है, कुल मासिक राजस्व यानी कि याला सेल है। तो मैं क्या करूँगा, इन चारों सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और ऑटो सम जो बटन है उसको दबा दूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली कुल राशि हम लोग का निकाल देगा। उसके बाद हमें इस सेल्स का रंग को पीला करना है, बैकग्राउंड को पीला करना है। तो राइट क्लिक करने के बाद फिल कलर में जाऊँगा और इसका जो सेल है उसका कलर को मैं पीला कर दूँगा। तो हम लोग का एक्सेल का काम हो गया, हमें जितना कहा गया था करने के लिए हमने उतना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस पावर पॉइंट का, जिसमें कहा गया कि एमएस पावर पॉइंट में 5 स्लाइडों का प्रेजेंटेशन बनाएं, स्लाइडों की विवरणी निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम लोग एमएस पावर पॉइंट को खोलेंगे और यहाँ पे हमें 5 स्लाइड बनाना है। तो सबसे पहले न्यू स्लाइड को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 5 4 बार और क्लिक करना है, तो हमारा 5 स्लाइड खुल जाएगा यहाँ पर। और पहला स्लाइड को सिलेक्ट करना है। पहला स्लाइड के लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि पहले स्लाइड में पीले रंग के वृत्त के अंदर स्वागतम लिखें एवं स्लाइड के बैकग्राउंड का रंग नीला करें। वृत्त यानी कि हमें सर्कल बनाना है, तो उसके लिए हमें इंसर्ट में जाना पड़ेगा और यहाँ पे शेप्स के अंदर में सर्कल को सिलेक्ट करके एक सर्कल इस स्लाइड के अंदर बनाना पड़ेगा। तो हम सर्कल का शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक वृत्त बना देंगे यानी एक सर्कल बना देंगे, जिसका बैकग्राउंड हमें कहा गया है कि पीले रंग का करने के लिए। तो उसके लिए हमें इस वृत्त को सिलेक्ट करना पड़ेगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है, सेव फिल। यहाँ पे सेव फिल का बटन को दबाएंगे और यहाँ से पीला रंग इसका सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन इसका जो बाउंड्री का कलर है वो भी आपका दूसरा कलर में चला जा रहा है। तो ये जो ऑप्शन है आपका सेप आउटलाइन का, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आउटलाइन में भी पीला रंग सिलेक्ट कर देंगे, तो इसका पूरा रंग इस वृत्त का पीला हो जाएगा। उसके बाद हमें स्वागतम लिखना है इसके अंदर, यानी इस वृत्त के अंदर में हमें स्वागतम लिखना है। तो उसके लिए हमें एक टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें ब्लैंक स्लाइड में कुछ लिखना है तो हमें टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही लिखना पड़ता है। तो हमने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया है और यहाँ से हम कुर्तिदेव को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें लिखना है स्वागतम, तो हम यहाँ पे स्वागतम टाइप करेंगे। तो जैसा लिखा गया आपको वैसा ही टाइप करना है, इसमें स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और जैसे मैं इसको सेंटर कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ ताकि ये विजिबल रहे। उसके बाद हमें कहा गया है कि इसका बैकग्राउंड का रंग नीला होना चाहिए, तो जो स्लाइड में जहाँ सादे रंग का पोर्शन है वहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाऊंगा और सॉलिड फिल के अंदर में कलर में जो कलर हमें कहा गया है, जैसे इसमें कहा गया है नीला कलर, तो नीला कलर सेलेक्ट करूंगा, क्लोज कर दूंगा इसको, तो ये नीला रंग का स्लाइड में बदल जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन कहा गया कि एमएस वर्ड में लिखे गए अनुच्छेद को शीर्षक सहित दूसरे स्लाइड में प्रविष्ट करें, यानी कि हमने जो एमएस वर्ड में लिखा था उसको, जो अनुच्छेद को लिखा था उसको सेकंड स्लाइड में इंसर्ट करना है। तो मैं पहले सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट करूँगा, फिर इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँगा। ऑब्जेक्ट को क्लिक करने के बाद क्रिएट फ्रॉम फाइल को क्लिक करूँगा, फिर ब्राउज में जाऊँगा और मेरा फाइल जिस जगह में है उस डेस्टिनेशन पाथ को सिलेक्ट करूँगा, यानी कि मैंने डेस्कटॉप में सेव कर रखा हूँ उसको। तो अपना फाइल को यहाँ से खोजूँगा और उसको सिलेक्ट करूँगा और मैंने जो एमएस वर्ड में जो फाइल बनाया था उसको सिलेक्ट करूँगा और ओके दबा दूँगा, तो मेरा फाइल इस सेकंड स्लाइड में आ जाएगा। तो आ चुका है, मैं इसका साइज़ को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा विजिबल रहे, रीडेबल रहे पढ़ने में। और इसको सेव कर दूंगा।
थर्ड क्वेश्चन कहा गया है कि एमएस एक्सेल में प्रविष्ट किए गए डेटा के अनुसार कॉलम चार्ट का निर्माण कर तीसरे स्लाइड में प्रविष्ट करें, यानी कि हमने जो एमएस एक्सेल में बनाया था उसको कॉलम चार्ट बनाना है, तो यहाँ कॉलम चार्ट का एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखिए कॉलम चार्ट में सिर्फ महीना का नाम लिया गया है और ऊपर की तरफ में शीर्षक दिया मासिक राजस्व, यानी कि जिस जो चार्ट में जितना हमें दिया गया हमें उतना ही सिलेक्शन करना है। तो इस सिलेक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें यहाँ पे दो ही रो को सिलेक्ट करना, पूरा रोज़ हमें नहीं चाहिए सिलेक्शन में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो पहला रो है वहाँ पे अपना कर्सर को ले जाऊँगा और उसके बाद F8 जो फंक्शन का बटन है उसको मैं प्रेस करूँगा F8, फिर राइट एरो का मदद से पूरा महीना को मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर यहाँ पे दोबारा से शिफ्ट प्लस F8 दबा दूँगा ताकि एक्सेल को पता चले कि मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हमें मासिक राजस्व वाला डेटा को सिलेक्ट करना है, फिर मैं मासिक राजस्व वाला डेटा में कर्सर ले जाऊँगा और F8 फंक्शन की को दबाऊँगा और उसके बाद राइट एरो का मदद से पूरा डेटा को सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद शिफ्ट और F8 दबा दूँगा। तो यानी कि हम लोग का दो अलग अलग रो सिलेक्ट हो गया, बीच का और कोई रो हमारा सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद इंसर्ट में जाऊंगा और कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, तो हम लोग का कॉलम चार्ट बन जाएगा, यानी हमने जितना डेटा सिलेक्ट किया उतना ही डेटा का कॉलम चार्ट हमारा बना। इसका फॉन्ट मैं चेंज कर दूंगा, कृतिदेव में ले जाऊंगा। तो देखिए ये कृतिदेव में आ गया और जैसा चार्ट में दिया गया था हम लोग का चार्ट वैसा ही बन गया। और इसको मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा कट करके। सैंपल में देखिए राइट साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे राइट साइड में कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा उसको सिलेक्ट करूँगा और उसको डिलीट कर दूँगा। तो ये हम लोग का बन गया है चार्ट, इसको मैं थर्ड स्लाइड में इंसर्ट करूँगा। तो इंसर्ट में जाकर ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँगा, क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज, डेस्कटॉप मेरा फाइल फोल्डर का नाम और फाइल का नाम सेट करूंगा और ओके दबा दूंगा। तो मेरा ये चार्ट थर्ड स्लाइड में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि चौथे स्लाइड में एमएस एक्सेल में प्रविष्ट किए गए डेटा के अनुसार निर्मित पाई चार्ट को रखें, यानी कि हमें अभी पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट हम देख लेते हैं। तो पाई चार्ट में हमें देखिए क्या चाहिए, बोलेरो स्कॉर्पियो ऑल्टो चाहिए और उसके अंदर में डेटा चाहिए उसका, यानी कि उसका कुल इनकम। तो हमें दो ही कॉलम सेलेक्ट करना है। तो जैसा मैंने कहा था बोलेरो स्कॉर्पियो ऑल्टो चाहिए और ये तीन चीज़ चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बोलेरो सेल में जाऊँगा, F8 फंक्शन की को दबाऊँगा और डाउन एरो का मदद से ऑल्टो तक ले जाऊंगा, फिर उसके बाद शिफ्ट प्लस F8 दबा दूंगा। फिर दोबारा से इस सेल में जाऊंगा, इसको यहाँ पे कर्सर ले जाऊंगा, फिर F8 फंक्शन की को दबाऊंगा, उसके बाद डाउन एरो का मदद से नीचे तक उसको सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद शिफ्ट प्लस F8 दबा दूंगा। तो हम लोग का दो अलग अलग कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट में जाऊँगा और पाई चार्ट को सिलेक्ट करूँगा और पाई चार्ट को दबा दूँगा, तो हम लोग का ये पाई चार्ट बन गया। और इसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ, होम में जाकर कृतिदेव 010 टाइप करूँगा, तो ये फॉन्ट चेंज उसमें बदल गया। अब देखिए अंदर का डेटा नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मैं चार्ट टूल्स के अंदर मैं जाऊँगा, लेआउट बटन को दबाऊँगा और यहाँ पे डेटा लेवल्स में जाकर सेंटर जो लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करूँगा। तो हम लोग का डेटा अभी अंदर पाई चार्ट के अंदर आ गया है। तो मैं इसको कट करता हूँ और नई सीट में ले जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इसको हमें, इस चार्ट को हमें चौथे स्लाइड में इंसर्ट करना है। तो मैं वापस अपने PPT में जाता हूँ और फोर्थ स्लाइड को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इंसर्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज, डेस्कटॉप, फिर अपना फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से अपना एक्सेल वाला फाइल को सिलेक्ट करूँगा। तो मेरा पाई वाला जो चार्ट है वो फोर्थ स्लाइड में आ जाएगा।
तो देखिए इसमें पाई चार्ट पूरा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा एडजस्ट कर दूँगा, स्क्रॉल बटन को नीचे लेके जाऊँगा तो दिखने लगेगा, लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दूँगा, तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, अब जैसा चाहे वैसा। तो जैसे जब पूरा चार्ट दिखने लगे तब आप उसको छोड़ सकते हैं और बाहर में क्लिक करेंगे तो ये आपका चार्ट दिखने लगेगा। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो हम लोग का ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद हमें कहा गया कि पांचवें स्लाइड में आयताकार बॉक्स के अंदर में धन्यवाद लिखें तथा स्लाइड के बैकग्राउंड को पीला करें। तो हमें अभी पांचवें स्लाइड में जाना है, पांचवें स्लाइड को सिलेक्ट करना है, फिर इंसर्ट के अंदर में शेप्स के अंदर जाके आयताकार बॉक्स यानी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स एक बनाना है। तो हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया, इसके अंदर में हमें धन्यवाद लिखना है। तो उसके लिए हमें ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो मैं ड्रैग करके यहाँ पे एक बना दूंगा टेक्स्ट बॉक्स और इसके अंदर हमें लिखना है धन्यवाद कृतिदेव 010 फॉन्ट में। तो उसके लिए मुझे पहले फॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा, कृतिदेव 010 टाइप करके यहाँ पे मुझे लिखना है धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद लिखता हूँ, टाइप करता हूँ। उसको सेट करके मैं इसे सेंटर अलाइन कर देता हूँ और इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि विजिबल हो, रीडेबल भी हो साथ में, और इसका स्लाइड का बैकग्राउंड को पीला करना है। तो मैं बाहर इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाकर सॉलिड फिल के अंदर में कलर के अंदर में पीला रंग सिलेक्ट करता हूँ और क्लोज को दबाता हूँ तो पीला रंग हो गया। तो हम लोग का पावर पॉइंट का भी काम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो तीन आंसर किए हैं उसको दिए गए मेल पे हमें ईमेल करना है। तो सबसे पहले हमें अपना ईमेल खोलना पड़ेगा। तो जैसे मैंने अपना ईमेल खोल रखा है रेडिफ मेल का, यहाँ पे हम लोग राइट मेल को क्लिक करेंगे। राइट मेल में क्लिक करने पे हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ टू के अंदर में हमें उसका ईमेल आईडी लिखना जो हमें क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा भेजने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना ही ईमेल आईडी डाल देता हूँ। और आप लोग एक बात का याद रखना है कि सीसी में आप लोग अपना खुद का ईमेल आईडी दीजिएगा ताकि एक कॉपी आप लोग के पास भी जाए और उसको आप लोग देख सकें घर में जाकर। और बॉडी में आप लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसा दिया रहेगा क्वेश्चन में आप वैसे टाइप करना है। तो यहाँ पर वैसे कुछ दिया गया नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऑल द थ्री फाइल्स अटैच्ड। उसके बाद हम लोग अटैच का जो बटन है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने जो भी फाइल जहाँ पे भी सेव करके रखा होगा उनका डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करेंगे। तो डेस्कटॉप के अंदर में मेरा सारा फाइल्स है तो मैं उसको सिलेक्ट करके सारा फाइल्स को मैं सिलेक्ट कर दूँगा यानी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का। यहाँ पे ओपन बटन को क्लिक करूँगा तो तीनों फाइल्स आ जाएगा। हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये तीनों फाइल्स अपलोड ना हो जाए, उसके बाद ही हम लोग सेंड बटन को क्लिक करेंगे। तो देखिए मैंने जैसे इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा था तो मुझे बता रहा है कि मुझे लिखना है कि नहीं लिखना है। तो क्वेश्चन पेपर में जैसा सब्जेक्ट दिया रहेगा आपको वैसे लिखना है। तो जल्दी मैं इसमें कुछ एक नंबर डाल दे रहा हूँ और सेंड को क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पे योर मेल हैज़ बीन सेंट, ये जब तक नहीं आएगा तब तक आपका मेल नहीं जाएगा। तो जैसे ये आ जाता है नोटिफिकेशन तो आप समझ लीजिए कि आपका मेल चला गया है। तो देखिए मेल यहाँ पे आ गया है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो देखिए तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिख रहा है कि ये आ गया है। तो मैं इसको एक एक करके क्लिक करके खोल के देख सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें।
और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।